तो आज हम स्टार्ट करने वाले यहाँ पे अपना नया टॉपिक जो कि अपना फोर्थ मेथड प्रिपरेशन है। अब तो तक हमने मेथड प्रिपरेशन में तीन बातें कर रखी थी। हमने देखा था कि कैसे हम अपना नाइट्रो कॉम्बो रिएक्शन करा के हम बनाते हैं अमाइन। सेकंड देखा हमने कि अमोनिया का अगर हम अल्काइलाइट से रिएक्शन करवा दे तो बन जाएगा। और थर्ड हमने देखा जस्ट यहाँ पे हमें इसके पहले वीडियो में कि अमाइड को कैसे यूज करें, मतलब कि अमाइड का रिडक्शन। तो आज हम बात करने वाले अपने नई रिडक्शन मेथड की जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल करके। तो बेसिकली बात करोगे यहाँ पे मैं नाइट्राइल रिएक्शन की, तो नाइट्राइल मतलब कि सिंपल, अगर आपके पास ये कंपाउंड है आर सी एन करके, इसी का नाम नाइट्राइल होता है। और या तो इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जनरली जनरली हम अगर हम क्या करें, अगर हम करवा दें इसका रिएक्शन नाइट्राइल ग्रुप का, मतलब कि हम यहाँ पे कुछ एस टू या तो हाइड्रोजन ऐड करवा दें तो हमें यहाँ पे मिल जाता है अपना अमाइन। और तो यहाँ पे लिखो आप लोग साथ आते मेरे कि नाइट्राइल कैन बी, और थोड़ा आप नोट्स ना साथ में लिखा को यार, इससे क्या होता है ना यार, आपको थोड़ा फ्लो समझ में आता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर आप सिंपल सी फोटो खींच रहे हो तो आपका हो गया कल्याण, फिर थोड़ा सा साथ में लिखा करो आप लोग। नाइट्राइल कैन बी ऑप्टेन, कैन बी कन्वर्टेड इन टू अमीनो ग्रुप। हम नाइट्राइल को अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग यूजिंग LiH4। देखो जनरली LiH4 यूज होता है हमारा अमाइड को रिड्यूस करता है, मतलब अमाइन के रिडक्शन में भी काम आता है, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए, और या तो आपके पास नाइट्राइल हो उसको भी कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे और कभी कभी यहाँ पे हम कैटलिटिक रिडक्शन भी कराते हैं, कैटलिटिक रिडक्शन करवाते हैं यहाँ पे हम। कैटलिटिक रिडक्शन मतलब क्या होता है, अब भाई ये यार अपना एस टू पास करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम पास कर दो ऐसे, हाँ प्लेटिनम या तो निकल के प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन गैस पास कर दो। तो ये दोनों तरीके होते हैं क्या करने के, नाइट्राइल को अमाइन अमीनो में अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट करने के। तो यहाँ पे मैं लिखूं जनरल रिएक्शन तो कुछ ऐसा होता है, हमारे पास ये कंपाउंड होता है नाइट्राइल ग्रुप में, आपने मैंने यहाँ पे ले लिया अपना एस टू निकल ले लिया लेट से। वैसे यहाँ पे ये सब चीजें लेते हैं, हाँ यहाँ पे आपको एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बट हम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यहाँ पे मैं ये। तो देखो आपके पास यहाँ पे आर सी एस टू एन एस टू मिल जाता है, तो बेसिकली ये हमें दे रहा है प्राइमरी अमीन। और यहाँ पे रखना के ओनली प्राइमरी अमीन कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड, आपको सेकेंडरी अमीन चाहिए तो नहीं मिलेगा, ओनली प्राइमरी अमीन कैन ऑब्टेन बाय दिस मेथड, इस मेथड की ये लिमिटेशन है बाय दिस सेक्शन। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा अच्छे से। और कभी कभी यहाँ पे हम जैसे जैसे ये तो रिएक्शन, कभी कभी आपको ना ये इस केस में हम यहाँ पे कभी कभी हम सोडियम एमलगम और PTOH के सेंस में भी रिएक्शन कराते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, लेट से आपके पास मान लो यहाँ पे कुछ कंपाउंड है, मान लो ऐसा लिखा हो NaHG करके, तो देखो ये भी करके रिएक्शन होता है बेसिकली। एक तो ये हो गया LiH4 हो गया, एक हो गया आपका कैटलिटिक रिएक्शन, और एक आपका होता है ये NaHG और ETOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो इस केस में भी हमें यहाँ पे RCH2 मतलब के हमारा अमाइन मिला था हमें। देखो ये आपका CH2NH2 है, तो ये एक्चुअली आपका CH2NH2 आता है, और इसको हम ऐसे लिखते कभी नहीं है। तो इसको मैं सिंपल, देखो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे कार्बन को दे दिया हाइड्रोजन और नाइट्रो को दे दिया हाइड्रोजन, आपको ऐसे करना है। और यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, मैंने इसको बॉन्ड में फॉर्म कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ मैं आप लोग के लिए, लेट से मान लो ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, बताओ क्या बनेगा। यू कैन ट्राई ट्राई करो खुद से, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, हाँ और बाद में वेरीफाई कर लेना। ओके चलो ठीक है, आपने वेरीफाई कर लिया होगा शायद, हाँ या वेरीफाई कर लिया करो खुद से एक बार, मतलब क्या करो खुद से वीडियो पॉज करके लिखा करो। देखो तो ये आपका CH2NH2 होगा, और आपको बता रखा है मैंने कि हम इसको भी ऐसे लिखते नहीं है, हाँ हम इसको बॉन्डलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे कुछ। अरे भाई यार हमें पता है ना बॉन्डलाइन में क्या होता है, हम यहाँ पे ये हर एक पॉइंट पे हमारे पास कार्बन होता है, तो मैंने सिंपल इसको इसमें कन्वर्ट किया है, इसमें डरना नहीं है किसी को। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ यहाँ, मान लो यहाँ पे लेट से आपका बेंजीन हो मान लो ऐसा कुछ, और यहाँ पे CN हो, लेट से CH2N लिखा हो, अब क्या करेंगे। देखो सेम वही कहानी, वही सेम कहानी यहाँ पे CH2NH2 मिल गया आपको, तो ये आपका आंसर आ गया। क्या आपको ये सही लग रहा है क्वेश्चन, बेसिकली आप ना अपने दिमाग में लगाना मत, ये रिएक्शन गलत है, हमें एलिफेटिक
कंपाउंडिंग की बात करनी है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये रिएक्शन गलत है। आपने जो जो उसमें इसको लिख दिया होगा, सॉल्व कर दिया होगा, वीडियो पॉज करके कर दिया होगा शायद, मेरे मेरा आईक्यू कह रहा है हाँ, बट ये गलत है, इसको आप कभी ऐसे लिखोगे नहीं। हाँ धांधन है यहाँ पे, आधे ऐसे महान आत्मा है ना, सोचते हैं कि मतलब सर ने सिखा दिया मतलब तब लगा दो कहीं भी बस, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना होता भाई। हाँ ये रिएक्शन गलत है, क्लियर। तो इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे हम सिंपल, ये रिएक्शन गलत है। इसका रिएक्शन अलग तरीके से होता है जो कि देखेंगे आगे, हमारा भी आएगा कंपाउंड टॉपिक। अभी हम सिंपल एलिफेटिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखेंगे अच्छे से हम। तो इस तरह से हमें करना होता है रिडक्शन नाइट्रिल कंपाउंड का। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले, वो बात करने वाले अपना अपना नया जो पांचवा मेथड है, जिसका नाम है गब्राइल थैलीमाइड सिंथेसिस करके, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में 4 से 5 मार्क में आता है। तो आई होप आप उस वीडियो को अच्छे से देखोगे पूरा, और उसको अच्छे उसके अच्छे नोट्स बनाओगे, और उसको प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के। फिर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा एक, उस ट्रिक से आपको वो ऑप्शन इजिली याद आएगी। देखो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खूबसूरती होती है कि अगर आप उसका ट्रिक बना लो ना, आपको अगर मान लो रिएक्शन समझ में भी आ गया तो आपको पूरा सीक्वेंस याद हो जाता है फिर, और सीक्वेंस याद करना ही ऑर्गेनिक में आपको बहुत फायदा देगा। सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट, आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो बट आपको सीक्वेंस याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं। सीक्वेंस के साथ साथ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में भी आनी चाहिए, तो समझाने का मेयर रहेगा, और आपको मैं कुछ सीक्वेंस बता दूंगा मैं कैसे उस रिएक्शन को याद करें। तो उसी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम तब बात करेंगे यहाँ पे, तब तक के लिए बाय।